सभी का मेरे YouTube चैनल सितेंद्र मलिक पे। और आज इस वीडियो में जिस विषय के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो विषय रहेगा पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी के जनसंख्या वृद्धि। देखिए, जनसंख्या वृद्धि के संबंध में अगर बात करी जाए तो वर्तमान समय में हमारे जो विश्व की जनसंख्या है वो 8 अरब से अधिक हो चुकी है और जनसंख्या बहुत सारे देशों के लिए अलग अलग तरह से एक अलग अलग प्रकार की समस्या बनी हुई है। जैसे यूरोपियन देशों के बारे में अगर बात करी जाए तो वहां पे जनसंख्या वृद्धि का जो नेगेटिव ग्रोथ है, जो ऋणात्मक वृद्धि है, वो उनके लिए एक समस्या है। भारत और चीन जैसे विकासशील देशों के लिए अगर बात करी जाए तो इसमें जो पॉजिटिव ग्रोथ है, जो धनात्मक वृद्धि है, वो अपने आप में एक समस्या है, क्योंकि इन देशों के पास जितने रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज की तुलना में इनकी जो जनसंख्या है वो इतनी अधिक है कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका जो वितरण है वो एक समस्या बनी हुई है। और दूसरी तरफ जो विकसित देश है वहां पे जनसंख्या की वृद्धि का ना होना एक समस्या है, क्योंकि उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज ज्यादा हैं और जनसंख्या कम है। तो ये जो जनसंख्या की वृद्धि होती है वो चाहे पॉजिटिव हो और चाहे नेगेटिव हो, वो किस प्रकार से होती है, इसी के ऊपर आज का हमारा जो ये वीडियो है वो फोकस रहेगा। इस जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से ऐसे घटक होते हैं, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो जनसंख्या की वृद्धि, वो चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, उसको प्रभावित करते हैं, उस सभी के ऊपर हमारा ये वीडियो आज का जो है वो पूरी तरह से फोकस रहेगा। और इससे पहले कि ये वीडियो शुरू हो, आप सभी का मैं धन्यवाद करूंगा कि आपका जो प्यार इस YouTube चैनल को मिल रहा है वो वास्तव में सराहनीय है। और अभी तक जिन साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो उनसे मेरी विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत जो है वो आप तक पहुंच जाए। सो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का विषय जो हमारा रहेगा ग्रोथ, यानी कि जनसंख्या वृद्धि। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और देखिए, इस चैनल में अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो प्लेलिस्ट में जो ज्योग्राफी में अभी नए हैं उनके लिए पॉपुलेशन ज्योग्राफी, कुछ मोटिवेशनल वीडियोज हैं, ज्योग्राफिकल थॉट की बात करी जाए, ओसनोग्राफी की बात करी जाए, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी जिसमें जीआईएस से संबंधित भी है और कार्टोग्राफी से, ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी या फिर जियोमॉर्फोलॉजी की बात करें, जीआईएस की बात करें, यूजीसी नेट कार्टोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, फील्ड विजिट्स, जो कुछ फील्ड विजिट्स मेरे द्वारा करी गई है, या फिर रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, इन सब से संबंधित बहुत सारी वीडियो जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। तो प्लेलिस्ट में जाकर भी आप जो है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, वीडियोज में जाकर भी जो है इन वीडियोज को आप देख सकते। देखिए, जैसा इस डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है, जनसंख्या वृद्धि या पॉपुलेशन ग्रोथ को हम सामान्य तौर पे यूनिडायरेक्शनल जो है वो लेकर चलते हैं, क्योंकि ग्रोथ जो होती है वो एक दिशा में होती है, या तो वो बढ़ती है और या फिर कम होती है। इसी में से सबसे पहले देखिए, अगर हम जाने कि जनसंख्या ये पॉपुलेशन क्या होती है, तो एक जो डेफिनेशन दी जाती है पॉपुलेशन की, वो डेफिनेशन कहती है कि किसी भी एक क्षेत्र में निवास करने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं और वो किसी एक विशेष प्रजाति से संबंध रखते हैं और इंटरब्रीडिंग प्रोसेस में वो शामिल होते हैं, यानी वो ब्रीडिंग प्रोसेस के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, तो इनको ऐसी जो नंबर होते हैं उन नंबर को हम जनसंख्या कहते हैं। और जनसंख्या सामान्य तौर पर हम जो लेकर चलते हैं वो मानव संख्या को लेकर चलते हैं, लेकिन किसी क्षेत्र में निवास करने वाले किसी भी प्रजाति से संबंध रखने वाले जीवों की जो संख्या होती है उसको असल में जनसंख्या कहा जाता है। लेकिन वर्तमान समय में क्योंकि मानव जो है वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो कड़ी हो गया है, इसीलिए जनसंख्या और मानव जनसंख्या, ह्यूमन पॉपुलेशन, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची जो है वो माने जाते हैं। इसमें से देखिए, अगर वृद्धि की हम बात करें, ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ समय के संदर्भ में
मापी गई जनसंख्या होती है, यानी एक निश्चित समय अवधि में किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली या निवास करने वाली एक प्रजाति के संबंधित उसकी जो संख्या होती है उसमें जो कमी या बढ़ोतरी होती है उसको हम ग्रोथ का नाम देते हैं। और ह्यूमन पॉपुलेशन के संदर्भ में सामान्य तौर पे ये 10 साल की एक अवधि होती है, क्योंकि जनगणना जो भारत में भी करी जाती है और अन्य देशों में भी होती है उसकी जो सामान्य अवधि होती है वो हर 10 साल के बाद करी जाती है। इसीलिए 10 साल के बाद हमें पता लगता है कि हमारी जो जनसंख्या है वो किस दिशा में जो है उसमें वृद्धि देखने को मिल रही है, वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। और चेंज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कह सकते हैं हम एक स्पीसीज का पर यूनिट टाइम में, यानी 10 साल की अवधि अगर हम ले रहे हैं तो उसको दशकीय वृद्धि कहते हैं, और 1 साल की अगर ले रहे हैं तो उसको वार्षिक वृद्धि का जो है नाम दिया जाता है। और जनसंख्या वृद्धि की देखिए अगर बात करी जाए तो जनसंख्या दो प्रकार से बढ़ती है, एक होती है प्राकृतिक वृद्धि नेचुरल ग्रोथ पॉपुलेशन की, और एक होती है आर्टिफिशियल ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ में शामिल होती है दो चीजें, एक फर्टिलिटी और दूसरा मोर्टिलिटी। फर्टिलिटी से हमारा यहाँ पर जो अभिप्राय है वो है जनसंख्या का बढ़ना। मोर्टिलिटी यानी उन वो जो स्पीसीज उस क्षेत्र में पाई जाती है अगर जीवन के सभी लक्षण उसमें समाप्त हो जाते हैं तो उसको मोर्टिलिटी या डेथ कहा जाता है, वो नंबर को डिक्रीज करती है और फर्टिलिटी नंबर को इंक्रीज करती है। और प्राकृतिक तौर पर अगर बात करी जाए तो प्राकृतिक तौर पर किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि जो है या पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है वो दो ही कारणों से होती है, एक फर्टिलिटी यानी पॉपुलेशन की रिप्रोडक्शन कैपेसिटी और दूसरा मोर्टिलिटी यानी डेथ टोल मृत्यु जितनी होती है। इसके अलावा एक क्षेत्र की जनसंख्या में जो इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो आर्टिफिशियल तरीके से भी होता है, और उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करती है वो प्ले किया जाता है माइग्रेशन के द्वारा। माइग्रेशन की अगर बात करी जाए तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोगों का जो प्रवाह होता है उसको माइग्रेशन कहते हैं, ना ये जन्म से संबंधित है ना मृत्यु से संबंधित है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल पॉपुलेशन ग्रोथ कहा जाता है। और माइग्रेशन दो प्रकार से मापी जाती है, एक होता है इसमें इमिग्रेशन, इमिग्रेशन मतलब किसी क्षेत्र में जनसंख्या का बढ़ना, यानी दूसरे क्षेत्र से आके लोग उस क्षेत्र में बसने लग जाए, जैसे दिल्ली की, मुंबई की, चेन्नई की या कलकत्ता की जनसंख्या की बात करी जाए तो इन शहरों की जनसंख्या वृद्धि में इमिग्रेशन ज्यादा प्रभावित कर रही है बजाय के प्राकृतिक वृद्धि के। नेचुरल ग्रोथ के कंपैरिजन में आर्टिफिशियल ग्रोथ जो है वो ज्यादा है, यानी इमिग्रेशन लोग दूसरे छोटे शहरों से गांव से आके यहाँ पर बस रहे हैं और इस क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि होती है। दूसरा होता है आउट माइग्रेशन, अब जिस क्षेत्र से वो लोग चल के गए थे यानी किसी गांव से छोटे शहर से अगर जाकर लोग जो है वो दिल्ली में बसे हैं तो जिस क्षेत्र से वो गए थे वहां आउट माइग्रेशन होता है, वहां पे नंबर डिक्रीज होता है, वो आउट माइग्रेशन होता है और ये जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि को जो है वो इंट्रोड्यूस करता है। इसी में पॉपुलेशन ग्रोथ को भी अगर हम देखें तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी दो तरह से होती है, एक होती है पॉजिटिव ग्रोथ। पॉजिटिव ग्रोथ कब होती है उसके लिए दो कंडीशंस होती हैं, पहली होती है कि जो फर्टिलिटी है यानी उत्पादकता, जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या अगर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या से ज्यादा हो जाती है तो पॉपुलेशन पॉजिटिवली ग्रो करती है। दूसरी तरफ अगर इमिग्रेशन का प्रभाव ज्यादा आता है तो भी पॉपुलेशन जो है वो पॉजिटिवली ग्रो करती है और उस क्षेत्र की जनसंख्या में इंक्रीज जो है वो हमें देखने को मिलता है। दूसरी तरफ नेगेटिव ग्रोथ यानी जो मृत्यु दर है, मोर्टेलिटी है, अगर वो जन्म दर फर्टिलिटी से ज्यादा हो जाए यानी जन्म लेने वाले व्यक्तियों की तुलना में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक हो जाए तो ऐसी अवस्था में वहां पे नेगेटिव ग्रोथ यानी कि ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिलती है, वहां जनसंख्या कम होना शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर उस क्षेत्र वो है क्षेत्र आउट माइग्रेशन से प्रभावित है
यानी लोग उस अक्षेत्र को छोड़ के दूसरे अक्षेत्र में बस रहे हैं, तो भी उस अक्षेत्र में नेगेटिव जो ग्रोथ है वो हमें देखने को मिलती है। तो यहां तक देखिए, हमने जो बात करी, हमने बात करी कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होता है वो नेचुरल आर्टिफिशियल दोनों तरीके से होता है, और ये ग्रोथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ होता है। तो अब पॉपुलेशन ग्रोथ के देखिए कंपोनेंट्स की अगर बात करी जाए, तो पहला जो इसका कंपोनेंट होता है वो होता है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी यानी जन्म दर। किसी अक्षेत्र में मान लीजिए एक परिवार है, उस परिवार में चार व्यक्ति हैं, उनके यहाँ पे एक बच्चे का जन्म होता है तो उनकी जनसंख्या बढ़ के 5 हो जाती है। तो फर्टिलिटी जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आती है, पॉजिटिव ग्रोथ को इंट्रोड्यूस करती है। दूसरी तरफ मोर्टेलिटी की बात करी जाए, जीवन के सभी लक्षण अगर समाप्त हो जाते हैं, यानी वो 5 व्यक्ति थे लेकिन उनमें से जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो जनसंख्या 5 से घटकर 4 आ जाती है। यानी जनसंख्या जब पॉजिटिवली ग्रो करती है तो फर्टिलिटी प्रभावित करती है, नेगेटिवली ग्रो करती है तो मोर्टेलिटी प्रभावित करती है। और इसी कारण से जो विकसित देश हैं, जैसे जापान में एजिंग की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हो रखी है, तो वहां पे मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है और जन्म लेने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है, तो वहां पे नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है। और तीसरा इसका जो घटक है या कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट है माइग्रेशन। माइग्रेशन जैसा हमने बात करी, ये इन माइग्रेशन भी होता है, आउट माइग्रेशन भी होता है। यानी ये जो स्ट्रीम है माइग्रेशन की, ये जिस अक्षेत्र में जाएगी वहां पे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, और जिस अक्षेत्र से ये जा रही है, इस अक्षेत्र से, यानी इसको अगर हम ए मान ले, तो इस ए में पॉपुलेशन जो है वो नेगेटिव ग्रोथ को जो है शो करेगी। अब इन्हीं कंपोनेंट्स में से फर्टिलिटी की अगर मैं बात करूं, तो फर्टिलिटी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी को दिखाती है, यानी जन्म देने वाले लोगों की संख्या कितनी है। अब ये बहुत सारे कारक होते हैं इसको जो प्रभावित करते हैं, जो कपल्स होते हैं, जो शादीशुदा लोग हैं उनमें बच्चा पैदा करने की इच्छा या कितने बच्चे पैदा करने हैं वो चीजें, तो ये प्रभावित करती है। और इसका जो प्रभाव आता है वो आता है इंक्रीज, यानी ये संख्या को बढ़ाती है। और फर्टिलिटी को मापने के बहुत सारे जो हैं वो मेजर्स हैं, जिनमें क्रूड बर्थ रेट की बात करी जाए, फर्टिलिटी रेट की बात करी जाए, जनरल फर्टिलिटी रेट की बात करी जाए, एज स्पेसिफिक बर्थ रेट की बात करी जाए, टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करी जाए, या रिप्रोडक्शन रेट की बात करी जाए, ये वो कारक हैं जिनके द्वारा फर्टिलिटी को हम माप सकते हैं। यानी क्रूड बर्थ रेट, 1 साल में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, फर्टिलिटी रेट, जो माएं हैं जिनकी आयु जो है वो उस एज में है जहां पर वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, जनरल फर्टिलिटी रेट सामान्य तौर पे कितने बच्चे होते हैं, एज स्पेसिफिक बर्थ रेट किस आयु वर्ग में जो है वो सबसे अधिक बच्चे जो हैं वो जन्म ले रहे हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट, रिप्रोडक्शन रेट यानी जो मदर्स हैं उनका जो एज है, यानी किस उम्र में उनकी शादी होती है, वो शादी होने के बाद वो किस आयु तक जो है नॉर्म सामान्य तौर पे 45 वर्ष की आयु तक बच्चे जो है वो पैदा करते हैं, तो उनकी जिस जब प्रोडक्शन कैपेसिटी उनकी डेवलप हो जाती है और खत्म होती है, तो उसके बीच में का जो रेट होता है उसको हम रिप्रोडक्शन रेट कहते हैं। इस टॉपिक के ऊपर, यानी जो फर्टिलिटी उत्पादकता के जो आयाम से जो मेजर्स हैं, इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्दी जो है वो यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। दूसरे कंपोनेंट की अगर हम बात करें मोर्टेलिटी, तो मोर्टेलिटी यानी परमानेंट डिसअपीयरेंस ऑफ ऑल एविडेंस ऑफ लाइफ एट एनी टाइम आफ्टर बर्थ, यानी जन्म लेने के बाद जीवन के सभी लक्षणों का समाप्त हो जाना, ये मृत्युता कहलाती है जिसको मोर्टेलिटी कहते हैं। और मोर्टेलिटी में एक ध्यान रखने की चीज सबसे जरूरी है, यदि किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है और जन्म से पहले यानी गर्भ में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी संख्या को हम मोर्टेलिटी से निकाल देते हैं, उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। मोर्टेलिटी में शामिल होते हैं वो व्यक्ति जो एक बार जीवन के सभी लक्षणों को प्रदर्शित करने के बाद उनके लक्षण गायब होते हैं, उसको हम मोर्टेलिटी में करते हैं। और मोर्टेलिटी का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, यानी ये नंबर्स को कम करती है। और इसके मेजर्स की बात करें, क्रूड डेथ रेट, 1 साल में मरने वाले लोगों की संख्या, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट,
ये जो जन्म लेने वाले जो शिशु हैं उनकी मृत्यु, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, जो माँ जो मदर्स हैं उनकी डेथ होती है, एज स्पेसिफिक किस आयु वर्ग के लोगों की मृत्यु अधिक हो रही है, या कोज स्पेसिफिक किस कारण से लोगों की मृत्यु अधिक हो रही है, तो ये मेजर्स क्रूड, चाहे उसमें क्रूड डेथ रेट की बात करें, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की बात करें, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट की बात करें, एज स्पेसिफिक मोर्टिलिटी रेट की बात करें, कोज स्पेसिफिक मोर्टिलिटी रेट की बात करें, तो ये सारे के सारे वो मेजर्स हैं जिनके द्वारा हम मोर्टिलिटी को मेजर करते हैं। इस टॉपिक के ऊपर भी बहुत जल्द जो है एक डिटेल्ड वीडियो हमारी जो प्लेलिस्ट है पॉपुलेशन ज्योग्राफी उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। और तीसरे कंपोनेंट की अगर बात करी जाए पॉपुलेशन ग्रोथ की, तो ये कंपोनेंट हमारा होता है माइग्रेशन, और माइग्रेशन भी दोनों तरह से प्रभावित करता है। ये अगर बात करी जाए तो माइग्रेशन होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी दो अक्षेत्र हैं उसमें निवास करने वाले लोग हैं उनकी प्राकृतिक नेचुरल जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव या नेगेटिव मोर्टिलिटी फर्टिलिटी तय करती है। लेकिन यदि ये जनसंख्या रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए, एक अक्षेत्र से दूसरे अक्षेत्र में मूव कर जाए, तो उसकी वजह से जो है फिर से जनसंख्या में जो ग्रोथ है पॉपुलेशन का वो रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। और माइग्रेशन बेसिकली मोमेंट होती है लोगों की एक स्थान से दूसरे स्थान पर। और इसमें एक चीज जो है वो बहुत जरूरी है यहाँ पे क्लेरिफाई करना, सर्कुलेशन में और माइग्रेशन में डिफरेंस होता है। जब हम बात कर रहे होते हैं माइग्रेशन की, तो हम बात कर रहे होते हैं उन लोगों की जो परमानेंटली एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर बस जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सर्कुलेशन की, तो ये वो संख्या होती है जो काम के संदर्भ में, काम के सिलसिले में दूसरे अक्षेत्र में जाती है और फिर वापिस अपने उसी निवास स्थान पर आ जाती है, जैसे डेली कॉम्यूटर्स होते हैं जो लोग रोजाना काम के लिए दूसरे शहर में जाते हैं फिर शाम को वापिस अपने घर आ जाते हैं, वो माइग्रेशन नहीं होता है, वो सर्कुलेशन होता है। माइग्रेशन होता है जब व्यक्ति वहां जाने के बाद अपना निवास स्थान भी उसी स्थान को बना लेता है। तो माइग्रेशन जैसा हमने बात करी दो प्रकार का है, इमिग्रेशन यानी ये एक क्षेत्र की जनसंख्या को इंक्रीज करता है, आउट माइग्रेशन ये उस स्थान की जनसंख्या को डिक्रीज करता है। तो ये वो कंपोनेंट्स हैं बेसिकली जो किसी क्षेत्र की जनसंख्या की पॉजिटिव या नेगेटिव ग्रोथ के लिए जिम्मेवार होते हैं। हमारा ये टॉपिक आज यहीं पर तक जो है वो रहेगा, और आप सभी से मेरा फिर से जो है वो एक रिक्वेस्ट कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आए तुरंत जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।